मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गोविंदगढ़ में जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार जुमलों की सरकार है और 5 साल के विकास कार्यों के दम पर नहीं बल्कि सैनिकों के बल पर देश में वोट मांग रही है। उन्होंने अलवर में विकास करवाने वाले भंवर जितेंद्र सिंह के पक्ष में लोगों से वोट देने की अपील की। इस अवसर पर श्रम मंत्री टीकाराम जूली, AIC सचिव जुबेर खान, विधायक साफिया खान और धर्मेंद्र राठौड़ सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और नेता मौजूद रहे। उम्मीद है कि जिस प्रकार वाजपेयी जी वक्त में बिल्कुल हुआ था, सरकार चली गई, कानों का खबरें लगी, उसी प्रकार मोदी जी गवर्नमेंट जाएगी, ये मेरा मानना है। ऊपर मोदी जी का जो तरीका है, तानाशाही का रवैया है, वो बहुत खतरनाक है सर। लुकिंग टाइम वो लोकतंत्र के लोकतंत्र खतरे में क्यों कहते हैं, संविधान खतरे में क्यों कहते हैं। हर जो दुनिया के अंदर जो हुए हैं तानाशाही, वो पहले रात बत्ती की बात करते हैं जिससे कि लोग उनकी तरफ जुड़ जाए सर, और उसके बाद में वो बनते हैं डिक्टेटर, बनते हैं तानाशाही, बनते हैं। उस रास्ते में हिंदुस्तान जा रहा है मेरे हिसाब से, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। नई पीढ़ी को गुमराह कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। मीडिया आपका दबाव में है, आपके मालिक लोग, आपके संपादक, आपके एंकर और दबाव के अंदर वो लोग चल रहे हैं, सच्चाई बता नहीं पा रहे, चाहते हुए नहीं बता पा रहे। पता नहीं इनकम टैक्स, CBI, ED कब आ जाएगी, देश खतरे में है। और तानाशाही पूर्ण जो रवैया है उससे सब लोग